नमस्कार, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। बिजनौर में करोड़ों रुपए की कार व कई बाइक के साथ पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन माफिया चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 13 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग आसपास के जनपदों से कार व बाइक को चुराकर उनका नंबर प्लेट बदलकर अलग अलग जनपदों में बेचने का काम कर रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन्हें बिजनौर के चक्कर चौराहे से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 10 कार व 10 बाइक बरामद की है। साथ ही पुलिस ने इनके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चक्कर चौराहे नगीना रोड से वाहन चोर माफियाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से अलग अलग कंपनी की 10 लग्जरी कारें बरामद की है। साथ ही पुलिस ने इनके पास से 10 बाइक भी बरामद की है। ये लोग काफी समय से मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और आसपास के जिलों से वाहन को चुराकर जयपुर और मणिपुर सहित अन्य जगहों पर वाहनों को बेचने का काम कर रहे थे। ये लोग गाड़ियों को चुराकर 3 से 4 लाख रुपए में बेच देते थे, जबकि दो पहिया वाहनों को 5 से 10 हजार रुपए में बेचने का काम कर रहे थे। SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वाहन चोर माफिया महेंद्र अपने साथियों के साथ मिलकर वाहन चोरी का काम कर रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन माफिया सरगना महेंद्र और उनके साथी दीपक शाहिद, ऋषभ मोहम्मद शाहिद, मन्नावर शहजाद, अमित त्यागी, अंकित ठाकुर, नवाज खान सहित कुल 13 लोगों को वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस पूछताछ में पता चला है कि ये वाहनों का नंबर सहित इंजन का नंबर बदलकर उनके नकली कागजात तैयार करके अन्य जनपदों में बेचने का काम कर रहे थे। पुलिस आज इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। वाहन चोरों का इंटर स्टेट गैंग कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा इसमें कुल 13 अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके कब्जे से 10 फोर व्हीलर, 10 टू व्हीलर, इसमें से हमारे जनपद की, बिजनौर जनपद की 9 गाड़ियां हैं, शेष अन्य जनपदों के हैं। इन अभियुक्तों में से राजस्थान, मणिपुर, दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, उत्तराखंड आदि के अभियुक्त हैं। इनके गाड़ी चोरी करने वाले, मार्केटिंग करने वाले, इंजन नंबर, चेसिस नंबर बदलने वाले, रुपया कलेक्ट करने वाले, RTO ऑफिस से कागजात तैयार करने वाले, कंप्लीट गैंग पकड़ा गया है। इनके द्वारा विगत 10-15 सालों से अपराध किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए धनगर शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।